इनफैक्ट हु एल्स कैन बी मोर सक्सेसफुल देन यू, जिसको धर्मपाजी प्यार करते हो उससे सक्सेसफुल कौन हो सकता है? ये तो आपका बड़प्पन है। I don't like critics. मुझे ये जो फिल्म क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक करते हैं, I don't like them. He is the only person in the entire world, the only critic who I am friends with and I really love him. ये बताओ इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? पहले तो विवेक सर, मैं हिंदी बोलना फिल्मों की वजह से सीखा हूँ और मैं फिल्म हिंदी फिल्म देखता हूँ, देखा मैंने लेट 70s के टाइम से। मेरी पहली फिल्म थी धर्मवीर, जो जिसमें धर्म पाजी है, आप जानते हैं वो फिल्म में उनका स्कर्ट, उनके लिक्स, लिक आप्स, ये जो ब्यूटी थी धर्म जी की, हर बच्चे बच्चे को पसंद आती थी और वो खूबसूरती दिल पे छा जाती है। तो मैं छोटा बच्चा था, वो मेरे दिमाग में छाप गए। एक फिल्म आई थी उनकी, उसमें सबटाइटल, अरबिक सबटाइटल नहीं था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उस टाइम से मैंने ठान ली कि मैं थोड़ा उर्दू या हिंदी सीख लूं। तो मैगजीन खरीदना मेरा सिलसिला उसके साथ शुरू हुआ, शमा, स्टारडस्ट या फिर फिल्मी नामा, फिल्म एडवांस, स्क्रीन, सिनेप्लेट्स, ये वगैरह सब स्क्रीन, ये सब जो मैगजीन है पढ़ पढ़ के मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना सीखा है। ये बताइए धर्मपा जी के साथ आपकी ऐसी स्पेशल रिलेशनशिप क्या है? धर्मपा जी भी आपको बड़ा प्यार करते हैं, आप भी उन्हें बड़ा प्यार करते हैं, ये क्या सीक्रेट है जरा मुझे बताइए? वो सीक्रेट मेरे नजर में, मेरे ख्याल से वो दिल का जो कनेक्शन था वो शायद पहली नजर में समझ में आ गया धर्मपाजी को। धर्मपाजी को मैंने पहली बार 92 में मिला था, जब वो दुबई में आए थे अपना एक शो करने के लिए सनी देओल के साथ। तो उस टाइम मैं 18 ईयर्स को ओल्ड था, मैं मेरी उम्र 18 ईयर्स थी, और टिकट वहां जाने के लिए VIP पे 1000 दरहम का था। 1000 दरहम माने मोर देन I think more than 10,000, more than 20,000 rupees at that time. तो मुझे, मेरे पास only 100 dirham था मेरे pocket money school के, तो उसी के जरिए मुझे बहुत पीछे बिठाया गया। तो जब शो शुरू हुआ, एक सिक्योरिटी आदमी ने मुझे देखा, वो अरब थे और मुझे देखा मैं एक अरब हूँ, तो बोले यहाँ पे क्या करने आए? मैं बोले धर्मभाजी को देखने लिया। तो वो मेरा हाथ थाम के मुझे VIP पे बिठा दिए और पूरा शो मैंने देख लिया। जब शो खत्म हो गया तो धर्मपा जी सब कुछ, उनका एक बड़प्पन रहता, हर के हर जो हाथ मिलाता था उसको हाथ मिलाते हैं, तो मेरा मेरे उंगली उनके पंजे पे आ गया यहाँ पे। That's it. ये मेरी स्टोरी थी पहली बार धर्म जी के साथ जो मिला। तो ये मैंने शेयर किया उनके साथ 2018 में, यानी मोर देन 20 ईयर्स, यानी मोर देन 25 ईयर्स, जब मैं उनसे मिला उनके घर में, मैंने बताया ये हुआ मेरे साथ। तो वो उनको समझ में आ गया कि मेरी कितनी मोहब्बत है उनके साथ, तो इस वजह से वो मोहब्बत बढ़ गई और हर बार मुझे घर में बुलाते हैं गपशप करने के लिए या बातचीत करते हैं मेरे साथ फोन पे या ट्विटर में। तो इतने सारे स्टार्स से आप मिले, आप जानते हैं दैट स्टार्स आर लिटिल एक्सेंट्रिक, स्टार्स हैव लिटिल ईगो, दे डोंट लाइक टॉक टू मच विद पीपल। यस, धर्मपाजी का ऐसा क्या क्वालिटी है कि धर्मपाजी से जो भी मिलता है वो he falls in love with him? ये क्वालिटी किसी और सुपरस्टार में मैंने नहीं देखी। मैं सबसे मिला हूं पर मैंने बाकी सब सुपरस्टार्स थे, सुपरस्टार, ओ माय गॉड। धर्मपाजी के साथ मिलके ऐसा लगता है जैसे सडनली फैमिली में आ गए। ये क्या चीज है, आपने क्या समझा? बिकॉज आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो उनको, क्या ऐसी क्वालिटी है उनके अंदर जो और किसी सुपरस्टार में नहीं है? मेरे ख्याल से वो अपने आप को किसी के सामने अपना मर्तबा ऊपर करके नहीं देखते, यानी झुक के देखते हैं। जैसे कि अगर कोई भी बच्चा भी आया उनके पास तो अपने आप को वो बच्चे से भी ज्यादा छोटा कर देते हैं। वो इनका एक बहुत ही खूबसूरत एक शेर है, जब बोलते हैं नेकी के बारे में, बोलते हैं बदी का अंत है आसपास, बदी का अंत है आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं, नेकी का कोई अंत नहीं, किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई करंट नहीं। हमेशा नेकी बहुत काम आती है बेटे, बच्चों नेक बन के रहना, नेकी में सब कुछ आ जाता है। बदी का अंत है कहीं आसपास, नेकी का कहीं कोई अंत नहीं, किताब नेकी की पढ़ ले बंदे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं।